स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम ज्योग्राफी क्लास 9 से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर अर्थ एज अ प्लैनेट। तो शुरुआत करते हैं कि इन द अर्लियर डेज इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स वेयर मूविंग अराउंड इट। तो पुराने ज़माने में लोग ये भरोसा करते थे कि अर्थ ही जो है पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सारी हेवनली बॉडीज जैसे सूरज है, चांद है, सब बाकी सारे प्लैनेट वो सब अर्थ के ही चारों तरफ घूमते हैं। हाउएवर टुडे इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन। अब हाउएवर किसी तरह से आज जो एक्सेप्टेड फैक्ट है वो क्या है कि 8 प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ फ्रॉम स्पेस। द अर्थ लुक्स ब्लू। अच्छा, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। ये इकलौता प्लैनेट है जो जिंदगी को सपोर्ट करता है फ्रॉम स्पेस। स्पेस से अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड बाई वाटर। जो अर्थ है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि 70% इसका टोटल एरिया जो है वाटर से कवर्ड है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। और इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम बस वाटर ही है। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी सूरज और उसके आसपास के जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं पूरी फैमिली मिला के क्या कहलाती है? सोलर सिस्टम। द मेम्बर ऑफ द सोलर सिस्टम एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो मेम्बर हैं सोलर सिस्टम के वो सर्टेन डिस्टेंस पे है सूरज से, थोड़े थोड़े सर्टेन डिस्टेंसेस पे अलग अलग। चीफ मेंबर, जो मुख्य मेंबर है ऑफ सोलर सिस्टम दैट आर प्लैनेट, सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड कॉल्ड एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड मीटियोराइट्स। जो मेन मेंबर है ना सोलर सिस्टम के उसमें आपका प्लैनेट्स आता है, सैटेलाइट्स आते हैं। वो सैटेलाइट जैसे कि मून आपका एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के चारों तरफ। और इसके अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज यानी जो आसमान में जो है यूनिवर्स में बॉडीज हैं जैसे कि एस्टेरॉयड्स वगैरह हैं, कॉमेट वो पुच्छल तारा वगैरह हैं, मीटियोराइट्स जो टूट के गिरते हैं और वो रोशनी दिखाई देती है हम लोगों को जो कि कहते हैं तारा टूट के गिरा। तो वो सारी चीज़ें ये सब जो है चीफ मेंबर हैं सोलर सिस्टम के। द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सूरज से सबसे नज़दीक देखो मरकरी है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, शेप ऑफ अर्थ के बारे में बात करें तो द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ जो है ना पूरी तरह से एकदम गोला नहीं है, स्फेयर नहीं है। जैसे बॉल होता है वैसे, जैसे फुटबॉल होता है वैसा बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इट बल्जेस स्लाइटली एट द सेंटर एंड इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स। यानी कि संतरे की तरह है, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, चिपटा है और बीच में जो है थोड़ा सा निकला हुआ है, उभरा हुआ है ना, अंडे के जैसा आगे आएगा। इन द ओल्डन डेज द अर्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लैट डिस्क विथ स्टीप एजेस। पुराने समय में लोग सोचते थे, कहते थे कि भाई जो अर्थ है वो फ्लैट डिस्क की तरह है और स्टीप एजेस बिल्कुल खाई टाइप का है, बिल्कुल किनारे किनारे पे। आर्यभट्टा द 5th century इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन बिलीव्ड इन द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। आर्यभट्टा जो 5वीं शताब्दी के इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बिलीव किया कि जो राउंड शेप है कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है। ही सेड दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल इन शेप एंड रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस। कि अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल है शेप में और अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करता है। इन द 6th century ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस सेड द सेम थिंग। टूडे वी हैव कन्विंसिंग एविडेंस टू प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो 5th century में जो ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस था उसने भी सेम चीज़ कही और आज हम लोगों के पास इतने सारे सबूत हैं, मतलब कन्विंसिंग मतलब जिस पे आप विश्वास कर सको, ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि प्रूफ करेंगे कि अर्थ स्फेरिकल है शेप में। तो इसमें प्रूफ में देखो सबसे पहला है प्रूफ दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो पहला है द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन द बेडफोर्ड लेवल कैनाल एरिया इन इंग्लैंड। ये जो बेडफोर्ड लेवल कैनाल है ये इंग्लैंड के एरिया में है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 3 poles ऑफ द इक्वल लेंथ वेयर फिक्स्ड एट इंटरवल ऑफ 5 किमी। जो कैनाल है उस कैनाल के अंदर 5-5 किलोमीटर के इंटरवल पे 3 पोल लगाए गए थे बड़े बड़े।
इट वॉज इंश्योर्ड दैट द पोल हैड द सेम हाइट अबव द वाटर इन द कैनाल. और वो ऐसे पोल लगाए गए थे कि सारे के सारे पोल्स की जो हाइट होगी अबव द वाटर बिल्कुल सेम होनी चाहिए हर जगह पे. When the poles were viewed from one end of the canal, the middle pole looked slightly higher. It could not have happened if the earth had a flat surface. अब जब एक किनारे से एक एंड से कैनाल के देखा गया जो तीनों लाइन में जो पोल्स थी इस तरह से, तो देखा गया कि जो बीच वाली पोल है ना वो थोड़ी सी उठी हुई है, उभरी हुई है. और ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता अगर अर्थ फ्लैट है. ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ स्फेरिकल हो. दिख रहा है फ्लैट में तीनों की हाइट सेम आएगी जबकि एक उठा हुआ दिखा, जस्ट बिकॉज अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है. अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड एट डिफरेंट प्लेसेस विद द सेम रिजल्ट. ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह पे किया गया और सेम रिजल्ट मिला, मतलब बीच वाला जो पोल है वो उभरा हुआ दिखा. ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द सर्फेस ऑफ अर्थ वॉज कर्व्ड. तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अर्थ कर्व्ड है, तभी बीच वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है और बाकी दोनों नीचे दिखाई दे रहे हैं. फिर उसके बाद है साइटिंग ऑफ अ शिप. ये तो हर कोई देख सकता है, समंदर के किनारे खड़े होने पे भी दिख जाएगा. वाइल स्टैंडिंग एट सी शोर वॉचिंग एन अप्रोचिंग शिप वी फर्स्ट सी ओनली इट्स मास्ट. जब कोई जहाज करीब आ रहा होता है और हम समंदर के किनारे खड़े होकर उसको देखते हैं तो सबसे पहले उसका मास्ट यानी उसका टॉप दिखाई देता है. देन एज इट कम्स क्लोजर वी कैन सी द डेक इन द मिडल देन इट्स फनल एंड फाइनली द हल कम्स इनटू फुल व्यू. फिर उसके बाद और करीब आता है तो फिर उसके नीचे का पोर्शन डेक दिखाई देता है, फिर उसका फनल दिखाई देता है और फाइनली पूरा का पूरा ढांचा हमको बाद में दिखाई देता है सबसे लास्ट में. दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड. If the earth were flat, the entire ship would have been visible at once. सही बात है कि अगर समंदर बिल्कुल प्लेन होता, बिल्कुल एक लाइन पे होता, फ्लैट होता, तो पूरा का पूरा शिप एक बार में ही दिखाई देता, बस डिस्टेंस अलग होते. लेकिन यहाँ पे ऐसे चढ़ता हुआ से दिखाई देता है. देखो इस तरह से पहले मास दिखाई देता है, उसके बाद में डेक दिखाई देता है, फिर उसके बाद में फनल पूरा दिखाई देता है, फिर उसके बाद में देखो पूरा ढांचा हमारे सामने आता है. तो अगर फ्लैट होता तो शुरू से दिखाई देता है ना, और लेकिन फ्लैट नहीं है इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देती हैं. तो इसका मतलब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक एविडेंस है कि अर्थ जो है आपका वो फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल है. इसके अलावा पोलस्टार. द पोलस्टार कैन बी सीन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री पे बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर आप खड़े होते हो तो आपको दिखाई देता है. इट लाइज इन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल डिक्रीजेस टुवर्ड द इक्वेटर. अब जैसे जैसे आप इक्वेटर के करीब जाते जाओगे तो उसका एंगल डिक्रीज करता जाता है ना, 90 डिग्री से डिक्रीज करता जाता है. द एंगल एट द इक्वेटर द एंगल इज 0 डिग्री. और इक्वेटर पे एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है. ठीक है, डिक्रीज करते करते. तो दिस कैन हैपन ओनली इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल. ये एक आर्क होगा अगर सर्कल का तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं होता. अगर फ्लैट होता तो चारों तरफ से कहीं से भी हम इस लाइन पे देख रहे होते तो एक ही एंगल पे यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाई देता हर जगह से, हाइट इसकी सेम रहती. लेकिन यहाँ पे हाइट सेम नहीं हो रही है, हर जगह पे एंगल इसका बदल रहा है. इसका मतलब कि अर्थ हमारा कैसा है, अर्थ हमारा जो है फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है. दिख रहा है एंगल आपको, एंगल दिख रहा है आपको, फिर आगे आते आते बिल्कुल 0 डिग्री पे हो जाएगा. सैटेलाइट पिक्चर्स. जीन बैप्टिस्ट डेलेम्बर 1749 से 1822 तक जो रहे फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे, डिस्कवर्ड द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल. इन्होंने डिस्कवर किया था कि अर्थ फ्लैटन है पोल्स पे. In 20th century, when satellite picture of Earth were fed into computer, its spherical shape with the flattened pole was confirmed. जब 20वीं शताब्दी में satellite pictures को फीड किया गया कंप्यूटर में तो spherical shape उसका दिखा, flattened pole भी confirm हुए कि flattened है pole पे और बाकी spherical shape है. ये satellite picture है Earth की. फिर उसके बाद द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द प्रूफ ऑफ द अर्थ स्फेरिकल शेप इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम स्पेस. अब ये सारे एविडेंस वगैरह जो हैं प्रूफ करते हैं कि स्फेरिकल शेप जो है अर्थ का है,
और वो स्फेरिकल शेप फोटोग्राफ वगैरह से मिले हमको, जो कि हम लोगों ने स्पेस से लिया। इसके बाद है लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। द शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स। अब ऐसा होता है कि सूरज और चांद के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो लूनर एक्लिप्स लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो देखो, जब भी यहाँ पे ऐसे चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो इसके ऊपर ऐसा शेप आता है, सॉरी ऐसा, ये अगर चांद है तो चांद के ऊपर ऐसा शेप आता है ना, कर्व टाइप का आता है, या फिर ऐसा शेप आएगा। तो ये शेप क्यों आता है, इस तरह का स्फेरिकल शेप ही क्यों आता है आर्क टाइप का। इट अपीयर्स एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सिंस द अर्थ इज बिगर देन द मून देन इट इज रेयरली ओरिएंटेड इन द सेम पोजिशन। तो अर्थ बहुत बड़ा है मून से, तो इसलिए सेम पोजिशन में उसकी तरफ नहीं रहता है चांद की तरफ। लेकिन जो शेडो फॉर्म होता है चांद के ऊपर, वो शेडो कभी भी हो हमेशा जो है स्फेरिकल रहता है, चाहे ऐसे फॉर्म हो, चाहे ऐसे फॉर्म हो, चाहे ऐसे फॉर्म हो, हमेशा इस वो क्या सॉरी आर्क टाइप में होता है, ठीक है, सर्कुलर आर्क रहता है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर अर्थ यानी जिसकी परछाई पड़ रही है वो भी सर्कुलर हो, तभी उसका जो है परछाई ऐसे आर्क टाइप में पड़ेगा। तो ये भी प्रूफ करता है कि अर्थ हमारा कैसा है, स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल नहीं होता तो जो हॉरिजॉन दिखता है वो बड़ा नहीं होता, मतलब सेम एरिया बार बार कवर होती। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देखो एरिया ज़्यादा कवर हो रही है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है आर्क बना रहा है, ठीक है। और अगर ये फ्लैट होता अगर अर्थ, तो फ्लैट अर्थ हमेशा बार बार सेम हॉरिजॉन बनाता। फिर उसके बाद लूनर एक्लिप्स तो हमने देख लिया। अब इसके बाद डे एंड नाइट की बात करते हैं। सर्कुलर हॉरिजॉन, अच्छा डे नाइट नहीं, अब इससे पहले ये सर्कुलर हॉरिजॉन देखो। द व्यू ऑफ द अर्थ सरफेस एज सीन फ्रॉम अ हाइट इज सर्कुलर। जो व्यू होता है धरती का, वो जब भी आप किसी हाइट से देखोगे सर्कुलर दिखाई देगा। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द सर्कुलर हॉरिजॉन ऑल्सो वाइडेंस। कहीं पहाड़ वगैरह पे जाओ, कहीं ऊंची जगह पे जाओ, तो वहां से जो व्यू दिखता है अर्थ का, बिल्कुल आपको सर्कुलर दिखेगा एकदम हाई पॉइंट से। हैड द अर्थ सरफेस बीन फ्लैट द हॉरिजॉन वुड हैव बीन सेम इज रिस्पेक्टिव ऑफ एल्टीट्यूड। अगर अर्थ फ्लैट होता तो आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, सर्कुलर के बजाय सर्कुलर हॉरिजॉन जो वाइडन हो जा रहा है वो नहीं होता, बल्कि सेम व्यू दिखता आपको किसी भी ऊंचाई से अगर फ्लैट होता तो। इन मॉडर्न डेज ऑल रेडियो वेव्स दैट ट्रेवल ओवर अर्थ सरफेस कैन बी हर्ड ओनली विद अ सर्टेन हॉरिजॉन। आज के ज़माने में जो रेडियो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, वो सर्टेन हॉरिजॉन से ही सुनाई देते हैं। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा जो सिग्नल है रिसीव नहीं होती। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि ये भी एक वजह है स्फेरिकल होने की अर्थ के। फिर उसके बाद सनराइज और सनसेट की बात करें, तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो सनराइज एंड सनसेट ऑकर्स एट डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह पे एक ही टाइम में सूरज नहीं उगता, न ही एक ही टाइम में डूबता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देयर फोर पीपल इन द ईस्ट कैन सी द सन अर्लियर देन दोज इन द वेस्ट। हैड द अर्थ बीन फ्लैट द सनराइज एंड सनसेट वुड हैव ऑकर्ड एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सच्ची बात है कि अगर स्फेरिकल नहीं होता, अगर बिल्कुल फ्लैट होता, देखो यहाँ पे कंपैरिजन देख लो, फ्लैट होता तो पूरे के पूरे एरिया में एक ही बार में दिन होता, एक ही बार में रात होता, ठीक है, या शायद रात होता ही नहीं, है ना, सूरज के सामने ही पड़ता पूरा फ्लैट। तो ऐसे देखो क्या हो रहा है, इसका सर्कुलर शेप है, तो आधे एरियाज पे जो है डे हो रहा है, आधे पे नाइट हो रही है। तो ईस्ट वालों के लिए पहले दिन होगा, फिर बाद में रात होगी, तो वैसे ही वेस्ट वालों के लिए पहले रात, फिर बाद में ये अपने एक्सेस पे रोटेट करेगा तो उधर डे के साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद है सरकम नेविगेशन। सरकम नेविगेशन का मतलब होता है कम्प्लीटली किसी के चारों तरफ जाना, मेनली अर्थ के चारों तरफ बाई वे ऑफ वाटर, पानी के तरफ से। तो मैगलेंस का जो शिप था विक्टोरिया कंप्लीट किया था एक पूरा राउंड द वर्ल्ड वोयाज इन 1522, 1522 में पूरा जो है चक्कर लगाया इसने दुनिया का। हिज शिप रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड। इसकी शिप जहाँ स्पेन से शुरू हुई थी, बिल्कुल पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वापस वहीं पहुँची। इट प्रूव्ड बियॉन्ड
डाउट दैट द अर्थ सरफेस इज अराउंड. अब ये जो डाउट करने की कोई वजह नहीं बची कि भाई अर्थ का सरफेस बिल्कुल राउंड ही है. अर्थ एज अ हेवनली बॉडी, द अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का फैमिली का एक मेंबर है अर्थ. ऑल प्लैनेट इन दिस सिस्टम आर स्फेरिकल इन शेप. बाकी सारे के सारे स्फेरिकल हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस रोटेशन, क्योंकि वो कंटिन्यू रोटेट कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं. सो द अर्थ बींग द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन. तो भाई बाकी सारे अगर आपको स्फेरिकल दिख रहे हैं तो ये इकलौता मेंबर अलग कैसे हो सकता है? तो ये भी स्फेरिकल है. द अर्थ एज अ प्लैनेट, अर्थ एज अ प्लैनेट इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड द सन अ स्टार एंड रिसीव लाइट फ्रॉम इट. अर्थ एक प्लैनेट होने के नाते ये स्फेरिकल है, स्पेस में मूव करता है सूरज के चारों तरफ, और इसको जो लाइट रिसीव होती है वो सूरज से रिसीव होती है. एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार. द प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे मूव अराउंड देयर स्टार इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. प्लैनेट के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो अपने स्टार यानी जैसे आपका ये धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के चारों तरफ अपने फिक्स पाथ में ऑर्बिट में घूमता है. अर्थ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड. अब यहाँ पे ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब है कि पूरी तरह से रेगुलर स्फेरॉइड नहीं है, वही बात कह रहा है. अर्थ इज सेड टू बी स्फेरिकल, कहा जाता है स्फेरिकल, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. बिल्कुल फुटबॉल या आप बॉल की तरह वो गोला नहीं है. इट्स डायमीटर वेरीज एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स. पोल के पास डायमीटर कम हो जाता है जबकि इक्वेटर के पास सबसे मैक्सिमम है. इट डायमीटर एट इक्वेटर जो है आप देखो तो 12,756 किमी है, वाइल इट्स पोलर डायमीटर इज 12,714, है ना, 42 किलोमीटर कम है. दिस डिफरेंस इन डायमीटर इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अंदर से जो फोर्स बाहर की तरफ लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. सेंटर सिकिंग फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ रोटेशन एट अ ग्रेटर स्पीड विच फॉर्म्स अ बल्ज एट द इक्वेटर एंड कंप्रेशन एट द पोल्स. तो इसी फोर्स की वजह से जो है एक बल्ज फॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा उभर गया है हमारा अर्थ बीच में से इक्वेटर के पास, और एक कंप्रेशन है पोल्स के पास, एक दबाव है यानी कि चिपटापन है, फ्लैटेंड है. दस द अर्थ इज सेट टू बी एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसीलिए इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है, यानी पूरी तरह से स्फेरॉइड नहीं है. द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एट जियोइड, यानी इरेगुलर शेप में धरती है, या फिर धरती का ही शेप को कहा जाता है, अर्थ शेप को ही जियोइड कहा जाता है. जो रूट देखो लिया गया था मैगलेन के द्वारा वो इस तरीके से था पूरी दुनिया का. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड. आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ. अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को. अनलाइक अदर प्लैनेट इट इज कवर्ड विथ ग्रीन वेजिटेशन, इनॉर्मस ब्लू ग्रीन ओशियन कंटेनिंग ओवर अ मिलियन आइलैंड, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट विथ माउंटेन्स, आइस कैप्स एंड डिजर्ट. दूसरे प्लैनेट की तरह ये नहीं है, अनलाइक अदर प्लैनेट ये कवर है ग्रीन वेजिटेशन से, ढेर सारे ब्लू ग्रीन ओशियन दिखाई देंगे जिसमें मिलियन आइलैंड हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखाएंगे टापू, और बहुत सारे झरने हैं, नदियां हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जिनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उनमें माउंटेन्स भी हैं, आइस कैप्स यानी कि बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हैं, रेगिस्तान भी मिलेंगे. सम फॉर्म ऑफ लाइफ थ्राइव्स वर्चुअली इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, किसी न किसी तरह का जिंदगी जो है वर्चुअली हर पार्ट ऑफ द अर्थ में आपको मिलेगा. कोल्डेस्ट से कोल्डेस्ट पार्ट जो कि पोल्स का है टू द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटर, कोल्डेस्ट पार्ट पोल्स के पास जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ से लेके आपको इक्वेटर जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है हर एक पार्ट में आपको लाइफ दिखेगी. अर्थ हैज सर्टेन फीचर दैट मेक इट हैबिटेबल एंड दस अ यूनिक प्लैनेट, सम ऑफ दिस फीचर आर गिवन बिलो. अर्थ के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको हैबिटेबल बनाते हैं और इसको यूनिक बनाते हैं. कुछ फीचर्स इसमें से यहाँ देखने को मिलेंगे. सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द अर्थ इज एट एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हेंस इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. सबसे बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो हो सकता है, ऑप्टिमम यानी बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे आपका अर्थ है सन से.
इसीलिए ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. इफ इट इज क्लोजर टू सन एनी लाइफ प्रेजेंट वुड गेट बर्नड फ्रॉम टू मच हीट ऑफ द सन. इफ इट वॉज फार्दर फ्रॉम द सन लाइफ वुड फ्रीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीट. अगर डिस्टेंस थोड़ा सा भी आगे होता तो क्लोजर अगर होता ये सूरज के तो जिंदगी ऐसे ही जल जाती क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट मिलता सूरज से. और अगर ज़्यादा दूर होता तो सूरज की गर्मी ना मिल पाने की वजह से फ्रीज कर जाती बिल्कुल ठंड से. दूसरा है टेम्परेचर. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस विच इज़ सुइटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. अर्थ तीसरा प्लेनेट है सूरज से दूरी के हिसाब से और इसका एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है जो इसको सबसे ज़्यादा सुइटेबल बनाता है ताकि ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके. इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ सर्फेस चेंजेस बाई ओनली फ्यू डिग्रीज मेनी स्पेशीज वुड पैरिश ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड. अगर एवरेज टेम्परेचर इससे थोड़ा सा भी कुछ ही डिग्री अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी स्पेसीज जो हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से. द अदर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी एंड वेनस आर वेरी हॉट विथ अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस. दूसरे दो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं ये अर्थ से पहले मरकरी और वेनस ये बहुत ज़्यादा हॉट हैं और इन पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस का है. द रिमेनिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड विथ अ सर्फेस टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. और इसके अलावा भी जो प्लैनेट्स हैं वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि वहाँ पे ऑप्टिमम वो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है. सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है. वेनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन बट इट इज़ हॉटर देन मरकरी. मरकरी सबसे नज़दीक है लेकिन वेनस उससे ज़्यादा हॉट है नज़दीक ना होने के बावजूद. दिस इज़ बिकॉज कि जो एटमॉस्फेयर अराउंड वेनस है वो मेनली कंपोज्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हीट को ट्रैप करता है इसीलिए वेनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन सरफेस ऑफ वेनस. ग्रीन हाउस इफेक्ट लेके आता है सरफेस ऑफ वेनस पे यानी कि जो ओवरऑल टेम्परेचर है ना सरफेस का वो राइज कर जाता है. तो दस द टेम्परेचर ऑन इट्स सरफेस रिमेंस वेरी हाई और हमेशा हाई रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन कम अमाउंट में है स्मॉल अमाउंट में है. अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की. ये फीचर्स हैं तो एटमॉस्फेयर भी एक फीचर है अर्थ का. एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम एंड आर्गन. एटमॉस्फेयर क्या है एक लेयर है एक चादर है हवा की और इसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है फिर 78% ऑक्सीजन 21% कार्बन डाइऑक्साइड है हीलियम आर्गन ये सब जो है 1% में लाई करते हैं. एटमॉस्फेयर रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाई सोलर रेडिएशन एंड लूजेज हीट बाई अर्थ रेडिएशन. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड. जो एटमॉस्फेयर है वो रिसीव करता है सन के एनर्जी को सोलर रेडिएशन के द्वारा और वापस वो हीट इस्केप हो जाती है अर्थ के रेडिएशन के द्वारा. तो इससे जो है कि एक बैलेंस जो है मेंटेन रहता है. द अर्थ एटमोसफियर इज मेड अप ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अर्थ का जो एटमोसफियर है लाइफ सपोर्टिंग गैसेज से बना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. और दूसरे गैसेज जो इंक्लूड होते हैं दैट इज हीलियम आर्गन. ओजोन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफियर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. अब जो ओजोन है प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है सारे हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज से आते हैं. द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म. अब देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट की तरह काम करता है और रात में सारा का सारा हीट जो है रेडिएट नहीं हो पाता है कुछ हीट एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहता है वरना रात भी काफ़ी ठंडी हो जाए. इसके अलावा फीचर है वाटर. वाटर अर्थ इज़ अ वाटरी प्लैनेट. वाटरी तो शुरुआत में ही बोल दिया बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ सरफेस बीइंग कवर्ड बाय वाटर.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेटिंग द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ. अब जो पानी का फैलाव है वो जो है बिल्कुल बढ़िया बनाता है क्लाइमेट को, और सरफेस का कंडीशन जो है बेहतर बनाता है अर्थ के या है ना, क्योंकि हर जगह पे जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कहीं कहीं पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, हर जगह पे है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है. अब इसके अलावा जो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. अब जो खुद से रेगुलेट करने वाला, खुद से सस्टेन यानी जिंदा रहने वाला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, उसको इकोसिस्टम कहते हैं. और ये सिस्टम डिपेंड करता है अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी. और एक इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है? सन पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी के लिए. एक पॉन्ड, एक लेक, डेजर्ट या ग्रासलैंड या मीडो, फॉरेस्ट, ये सब कॉमन एग्जांपल हैं इकोसिस्टम के. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम एज वेल एज बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम. हमेशा मटेरियल और एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है एक इकोसिस्टम के अंदर भी और एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में भी. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड हेंस इंटर रिलेटेड. ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं. द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट द बायोस्फीयर. अब जो बड़ा सा पूरा नेटवर्क है जो सारी इकोसिस्टम को कनेक्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं. Thus, biosphere is that part of Earth terrestrial system, including air, land and water. तो biosphere वो part है Earth का जिसमें terrestrial system आता है, include करते हुए air को भी, land को भी, water को भी. यानी air का हर तरह का form, land का भी हर तरह का, और water भी. In which life develop and where life processes in turn get transformed. और ये जो biosphere है इसमें जिंदगी develop होती है, life process turn करते हैं, transform होते हैं. और ये लाइफ जोन है अर्थ का पूरा बायोस्फीयर. वाटर फ्रॉम सीज, रिवर्स एंड लेक्स इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक एज प्रेसिपिटेशन. जो पानी है वो समंदर से, नदियों से और लेक से, झील से इवेपोरेट करता है एटमॉस्फेयर में, बादल का रूप लेता है और फिर वो कहीं और प्रेसिपिटेट करता है बारिश के रूप में. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन लैंड फ्लोज बैक टू द ओशन. ज़्यादातर जो पानी है नदियों के थ्रू जाके फिर से समंदर में मिल जाता है. दस वाटर मूव्स इन अ कंटिन्यूस साइकिल. तो इसीलिए जो वाटर है कंटिन्यूस साइकिल में मूव करता है. इस साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल भी कहते हैं, फिगर 1.8 में है. देयर इज़ अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. अब इसमें एक प्रॉपर बैलेंस भी रहता है. ऐसा नहीं कि सबका सब पानी उड़ गया, बादल बन गया. ऐसा नहीं कि सारा का सारा बादल एक ही जगह पे बरस गया. तो इसमें क्या है, बैलेंस है जिसकी वजह से जो है ज़िंदगी पॉसिबल है. वरना अगर बैलेंस नहीं रहता तो भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं रहती. आप देख ही सकते हो कभी कभी फ्लड आ जाता है, कभी कभी ड्रॉट पड़ जाता है. तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ओशियन से सारा इवेपोरेट हो रहा है. इवेपोरेट होके प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये भी लूज़ कर रहा है वाटर. फिर कंडेंसेशन होता है बादलों का, फिर ये जो है पानी मूव करता हुआ पूरा नदियों के द्वारा या फिर ग्राउंड वाटर से के थ्रू ओशियन से जाके मिल जाता है. इसके अलावा वाटर कैन एब्जॉर्ब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट विदाउट कॉजिंग मच चेंज इन इट्स टेम्परेचर. वाटर जो है ना बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और बिना जो है टेम्परेचर खुद का चेंज किए हुए ज़्यादा. तो इसीलिए ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज रैपिडली एब्जॉर्ब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट. तो डे टाइम में वाटर बॉडीज जो होती हैं वो सारा हीट एब्जॉर्ब करती हैं. दस द अर्थ रिमेन्स फेयरली कूल. तो दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है धरती. एट नाइट वाटर बॉडीज रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ हीट दैट दे एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे विच अलॉन्ग विद द अदर एटमोस्फेरिक इफेक्ट कीप मोस्ट ऑफ द सर्फेस फ्रॉम फ्रीजिंग एट नाइट. अब रात में क्या है, रात में तो सूरज है नहीं, तो अब ऐसे टाइम में जो हीट ये ओशियंस वगैरह जो है वाटर बॉडीज ली होती हैं वो सारा का सारा जो है वापस करती हैं एटमॉस्फेयर को. तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गर्मी बनी रहती है और रात में फ्रीजिंग होने से यानी ठंड से बचता है, बच जाता है धरती, यानी कि फ्रीज नहीं होती है हमारी धरती. बट फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ फार ग्रेटर डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन वुड एग्जिस्ट. लेकिन बट फॉर द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ पे, तो इसलिए फार ग्रेटर डे और नाइट जो है वेरिएशन जो है एग्जिस्ट करता.
अगर वेरिएशन होता तो बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन, अगर वेरिएशन होता तो यहाँ पे अगर नहीं होता अगर ये पानी, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है दिन का और रात का बिल्कुल वेरी करता। तो बहुत ज़्यादा वेरी क्यों नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, ताकि दिन में सोख लेता है और रात में वापस करता है। वरना क्या होता, दिन बिल्कुल गर्म होता और रात बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड होती, जस्ट लाइक आपको डिजर्ट में दिखने को मिलता है। इसके अलावा सॉलिड क्रस्ट लिथोस्फीयर, जो कि लैंड है जिसपे हम लोग रहते हैं, अर्थ हैज़ अ सॉलिड क्रस्ट लिथोस्फीयर, अर्थ के पास सॉलिड क्रस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स की वेदरिंग की वजह से, टूटने फूटने की वजह से, जो सरफेस है अर्थ का हैज़ बीन फॉर्म्ड, अर्थ का सरफेस फॉर्म हुआ है, विच प्रोवाइड सॉयल लेयर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग प्लांट लाइफ। और इसी वेदरिंग ऑफ रॉक ने क्या दिया है, सॉयल दिया है, जिस सॉयल में जो है पेड़ पौधे उगते हैं और जिसने जिंदगी दी है। सॉयल ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, विच इन टर्न सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब सॉयल जो है इम्पॉर्टेंट अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और प्लांट्स जो हैं सपोर्ट करते हैं सारे एनिमल लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इवन हम लोग भी पूरे डिपेंडेंट हैं किस पे, प्लांट्स पे ही। फिर उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो रिम ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द एटमोसफियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर। बायोस्फीयर क्या है, एरिया है एक्टिविटी की जिसमें कि इंट्रैक्शन है सबका, एटमोसफियर कनेक्टेड है लिथोस्फियर से और हाइड्रोस्फियर से, देखो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फियर। बायोस्फियर में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बायोस्फियर प्रोवाइड करता है ऑल द नेसेसिटीज फॉर ऑल द स्पेसीज लिविंग ऑन द अर्थ। बायोस्फीयर हर किसी को ज़रूरत की सारी चीज़ें हर स्पेसीज को प्रोवाइड करता है जो कि लिव कर रही हैं अर्थ पे, जैसे कि लाइट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, वाटर, फूड और हैबिटेट रहने की जगह। बायोस्फीयर है क्या, इज अ थिन लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच टू द हाइएस्ट माउंटेन पीक। बायोस्फीयर क्या है, एक पतला सा लेयर है अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर डीपेस्ट ओशियंस के ट्रेंच से लेके सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक तक का। एट ग्राउंड लेवल ये एक्सटेंड करता है जस्ट 3 मीटर बिलो एंड इन ओशियन अबाउट 200 मीटर डीप, समुंदर में 200 मीटर नीचे और ग्राउंड लेवल पे बस 3 मीटर नीचे। वेयर मराइन एंड फ्रेश वाटर लाइफ इज फाउंड, जहाँ पे कि मराइन और फ्रेश वाटर जो है आपको मिलता है। Within the biosphere, life is found chiefly in two form, plant kingdom and animal kingdom. अब ये जो वही आपको दो तरह की ज़िंदगी मिल रही है, यहाँ पे दो लाइफ फॉर्म मिलेगा, एक तो प्लांट किंगडम जो कि टेरेस्ट्रियल है, पेड़ पौधे वगैरह सब, और एक जो है तुम्हारा एनिमल किंगडम। लाइफ गिविंग साइकिल, अब जिंदगी देने वाले साइकिल्स में देखो, जैसे कि न्यूट्रिशन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल। Various life giving cycle operate in the nature, balancing the factor necessary for life. बहुत सारे life giving cycle हैं जो कि operate करते रहते हैं प्रकृति में, ताकि वो balance करते रहें सारे factors को जो ज़िंदगी के लिए necessary हैं, balance होता रहे। जैसे water cycle देखा था ना, वैसे ही बाकी सारे भी। जैसे पहला है nutrition cycle, the nutrition cycle represent a relationship between living and non-living things in our environment. न्यूट्रिशन साइकिल रिप्रेजेंट करता है एक रिश्ता लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में जो हमारे इन्वायरमेंट में है। इट शोज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ये दिखाता है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाता है सारे लिविंग थिंग्स की जो अर्थ के ऊपर है। इट ऑपरेट्स थ्रू द फूड चेन एंड अदर प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन। ये ऑपरेट करता है फूड चेन की तरह और दूसरे प्रोसेसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। लिविंग थिंग्स जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, और डिकम्पोजिशन जो सड़े गले पर डिपेंड करते हैं। प्लांट प्रोड्यूसर कहलाते हैं ऑफ फूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है आपके प्रोड्यूसर हैं। एनर्जी हैड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम हेयर, एनर्जी का ओरिजिन ही यहाँ से होता है, अल्टीमेटली इनको भी एनर्जी सन से ही मिलती है। देन देयर आर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अब देखो कंज्यूमर में दो कैटेगरी है, एक हर्बीवोरस जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, और कार्निवोरस
जो एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड करता है, हु लिव ऑन द प्रोड्यूसर। एट द टॉप ऑफ ऑल इज अ मैन हु कैन मॉडिफाई हिज ओन इन्वायरमेंट एंड क्रिएट चेंजेस एट द बॉटम और इन द मिडिल लेवल ऑफ द फूड चेन। अब देखो सबसे टॉप पे जो है मैन है जो कि क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है बॉटम में या मिडिल लेवल में फूड चेन के। ऑल लिविंग बींग अंडर गो डिकम्पोजिशन बाई द एक्शन ऑफ सेप्रोट्रॉफ और डिकम्पोजर। जितने भी जिंदा चीज़ें हैं वो डिकम्पोजिशन में जाती हैं। डिकम्पोजिशन में जाने का मतलब है ब्रेक डाउन होता है उनका सेप्रोट्रॉफ्स के द्वारा या डिकम्पोजर के द्वारा। सेप्रोट्रॉफ जो सड़े गले पे होते हैं, डिकम्पोजर या फिर जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन साइकिल देखो बिल्कुल चलता रहता है। अल्टीमेटली जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो वो सब सॉयल में मिक्स हो जाएंगे, फिर पेड़ पौधे उगेंगे और फिर से जो है ये सर्कल चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर ऑल लाइफ। ये जो है बिल्कुल बेसिक है सबके लिए, कच्चा मटेरियल है सारी सबकी जिंदगी के लिए। सारी लिविंग थिंग्स जो हैं कंटेन करते हैं कार्बन। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं सनलाइट के और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है उसके प्रेजेंस में अपना खुद का खाना बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एज स्टार्च बाय प्लांट। और इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है एज स्टार्च प्लांट के द्वारा। फ्रॉम द प्लांट कार्बन मूव्स अलोंग द फूड चेन थ्रू कंज्यूमर एट डिफरेंट लेवल। अब ये जो प्लांट है इसके द्वारा कार्बन मूव करता है फूड चेन में, कंज्यूमर्स तक पहुंचता है और अलग अलग डिफरेंट लेवल पे। आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जब प्लांट या एनिमल मर जाते हैं, द कार्बन प्रेजेंट इन देयर बॉडीज इज डिकम्पोज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड एज फूड बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी। तो जब ये डेथ हो जाती है इनकी तो कार्बन जो इनके बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं एक डिकम्पोजर के द्वारा, और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वगैरह या फंगी वगैरह जो ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं उनके जो है मतलब प्लांट को, एनिमल को, तो वो फिर वापस कर देते हैं सॉयल को। तो फिर वो सॉयल में मिक्स हो जाता है और इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। व्हेन प्लांट डाई एंड गेट बरीड इन द सॉयल दे अंडर गो स्लो डिग्रेडेशन एंड कॉम्पैक्शन। अब जब प्लांट वगैरह डाई करते हैं और बरी हो जाते हैं सॉयल के अंदर तो धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होता है और कॉम्पैक्शन यानी क्रशिंग होता है। ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में कंटेनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन। तो अब ये जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि कोयले के बारे में पता ही होगा, मिलियन ऑफ ईयर एगो वो पेड़ पौधे सब दबते चले गए, जीव जंतु वगैरह पेड़ पौधे मोइनली जबते और सब दबते चले गए। तो वही जो है कई हज़ारों साल में जो है कि कोयला बना है जो आज हम लोग जो है निकालते हैं। तो फॉर्मेशन हुआ फॉसिल फ्यूल का कंटेनिंग, जिसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन मिलता है कोयले में, एज अ फ्यूल हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब रेस्पिरेशन के टाइम में प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमंस हो, सब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यूज करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वापस दे देते हैं। द बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल ऑल्सो रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब जो भी हम लोग कार्बन कंटेन करने वाले फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ या फिर प्लास्टिक्स हो गए या फिर आपका कोयला हो गया, तो इन सबको बर्न करते हैं हम जब, तो ये भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं। दस कार्बन फ्रॉम CO2 टेकन बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस इज रिटर्न टू द इन्वायरमेंट थ्रू रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन एंड थ्रू बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट ने ले लिया था वो इन्वायरमेंट को फिर से वापस कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस जो उन्होंने लिया था वो इन्वायरमेंट को रिटर्न किया जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा, हम लोग जो रेस्पायर करते हैं डिकम्पोजिशन के द्वारा या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल के द्वारा। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन साइकिल। अब हो क्या रहा है, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, फिर कंज्यूमर को मिल रहा है, फिर कंज्यूमर से फिर जो है आगे बढ़ रहा है, फिर वापस जो है इन्वायरमेंट में चला जा रहा है, फिर इन्वायरमेंट से जो है पेड़ पौधे ले रहे हैं। तो ये जो
आपका साइकिल चल रहा है, दिस साइकिल कार्बन का जो साइकिल है इसी को कहते हैं हम कार्बन साइकिल, और ये कार्बन साइकिल हेल्प करता है मेंटेनिंग कार्बन बैलेंस इन नेचर, ताकि नेचर में जो है कार्बन बैलेंस रहे। कार्बन एनी इम्बैलेंस ऑफ कार्बन, अगर कोई इम्बैलेंस होगा कार्बन का एटमॉस्फेयर, तो हीट ऑफ द अर्थ एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर इम्बैलेंस होगा कार्बन का, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो रहे हैं, यानी अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ गैसेज दैट प्रोड्यूस अनड्यू हीट एंड ग्लोबल वार्मिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड टू मेंटेन अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। अब यहाँ दे भी दिया कि बहुत सारे यूज ऑफ गैसेज जो प्रोड्यूस करते हैं अनड्यू हीट, बिना जरूरत की हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग, उनको हमसे हमको उनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मेंटेन रख सकें। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। द एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर 78% अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन एनवायरमेंट में मिलेगा आपको। प्लांट जो है टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉयल एंड इट मूव थ्रू द फूड चेन टू एनिमल। अब ये जो प्लांट है ये मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन फिर मूव करता है फूड चेन के अंदर एनिमल्स तक। नाइट्रोजन फिर रिटर्न होता है टू द सॉयल थ्रू मैन्योर एक्सक्रीटा एंड अर्थली रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो यूरिया वगैरह एक्सक्रीटा वगैरह निकलता है जानवरों से, वो उससे नाइट्रोजन फिर अर्थ को वापस हो जाता है, या फिर जो है डेड एंड डाइंग रिमेन जो होता है प्लांट वगैरह का, एनिमल वगैरह का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उससे भी नाइट्रोजन वापस हो जाता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल को। लिव ऑक्सीजन साइकिल, तो लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, दे यूज इट टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज टूगेदर विथ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू बिल्ड न्यू मॉलिक्यूल्स इन देयर बॉडीज। ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, ताकि नए मॉलिक्यूल्स बन सकें। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बैक इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड बाय प्लांट एंड एनिमल एज पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन जो होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में दिया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट और एनिमल के द्वारा, और प्लांट और एनिमल जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज कर रहे होते हैं तो कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगा ही रहता है, तो वो फिर एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है। दीज साइकिल्स आर नेचर्स मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। ये जितने भी साइकिल हैं ये नेचर का, प्रकृति का खुद का मैकेनिज्म है, ताकि जो है मेंटेन रहे बैलेंस इकोसिस्टम में। किसी एक का भी इम्बैलेंस जो है बुरी तरह से एडवर्स इफेक्ट लेके आएगा लाइफ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।